This video is made for medical student as a part of their syllabus we do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner the information provided here is adopted from the product we used our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification note self medication is always hazardous do not again do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner hello friend welcome to the channel pharmacy dictionary आज हम बात करने वाले हैं सिप्लॉक्स आई ड्रॉप एंड ईयर ड्रॉप के बारे में ये जो नाम आप देख रहे हैं ना सिप्लॉक्स वो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसको बनाने वाली कंपनी है आपकी सिप्ला और इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा आपका सिप्रोफ्लॉक्सोसिन क्योंकि दिस इज ब्रांड नेम एंड दिस इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ये सिप्रोफ्लॉक्सोसिन है क्या सिप्रोफ्लॉक्सोसिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी इफेक्टिव आपका एंटीबायोटिक है एंटीबायोटिक कहने का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो कि किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करते हैं

है नेट क्वांटिटी है वो है 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 और इनका जो इंडिकेशन अगर है, है अगर आपकी आंखों में किसी तरह का बैक्टीरियल हुआ हो अगर आपके कान में कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ हो तो इन दोनों के पार्ट के इन्फेक्शन को ठीक करने में यह आपका सिप्रोफ्लॉक्सोसिन काम करता है इसके मैकेनिज्म मैकेजम्शन के बारे में अगर आप बात करना चाहें एज अ फार्मेसी या मेडिकल स्टूडेंट तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो सिप्रोफ्लॉक्सोसिन वो मोस्ट ऑफ द केस में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है अभी ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं ग्राम नेगेटिव क्या होता है उसे हमने फार्मेसी डिशनरी के अलावा जो हमारा मेन चैनल है सोल्यूशन फार्मेसी वहाँ पर पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है फिर भी आपको मैं शॉर्ट में बता दूँ ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्राइमरी स्टेनिंग को एक्सेप्ट करके रखे रहते हैं एट द लास्ट ऑफ द प्रोसीजर वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्रिस्टल वाले दैट इज़ प्राइमरी कलर इसको लास्ट तक रिटेन नहीं करते हैं बल्कि उसकी जगह सेकेंडरी कलर सेफ्रीन को रिटेन करके

वो आपके डीएनए में जनरेट होने वाले सुपर कॉइल को आपके डीएनए दैट मीन्स बैक्टीरिया के डीएनए के जनरेट होने वाले सुपर कॉइल को हटाने का काम करता है और इसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव करता है सो so, अगर हम इसी दैट इज डीएनए टोपो आइसोमरेज और डीएनए गाइरेज गायरेज को हम इनिबिट कर दें तो वो आपका जो एंटीबायोटिक इफेक्ट है इस सिप्रोफ्लॉक्सोसिन का वो हमको देखने को मिलता है ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ एक ड्रॉ करके ये अगर हमारे बैक्टीरिया का डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए जब रेप्लिकेट होते हैं तो इनके रेप्लिकेशन के समय में ये सुपर कॉयल हो जाते हैं मतलब कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा गुच्छे गुच्छे बन जाते हैं इसको हटाने का काम करता है आपका यही डीएनए एन जो कि इनके इस सुपर कॉयलिंग को हटा करके देखिएगा ध्यान से वापस से को नॉर्मल वे लेकर के आते हैं जिसके कारण से बैक्टीरिया सर्वाइव करता है बट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि हमको बैक्टीरिया को सर्वाइव होने नहीं देना है सो हम क्या करेंगे ऐसे एजेंट वापस से डायग्राम को रिपीट करते हैं ऐसे एजेंट जो कि इनके सुपर कोयलिंग को हटाते थे ये उनको ही स्टॉप कर देता है जिसके कारण से इनकी सुपर कॉइलिंग हट नहीं पाती और इनका जो रेप्लीकेशन है बैक्टीरिया का वो हो नहीं पाता और इसके कारण से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती और बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता और वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन वो ठीक हो जाता है और डिटेल्स से अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ विजिट फॉर्म सी वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डेमो के साथ समझाया हुआ है इसके पैक के साथ आपका इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि कैसे इसे आप यूज़ करना है इसके ढक्कन हल्के से खुले हुए होते हैं स्टार्टिंग में पैक होने के बाद ऊपर के कैप की बात कर रहा हूं इस ढक्कन पे इस कैप में एक स्पाइक होगा एक छोटा सा कांटा जैसा होगा तो इस ढक्कन को जब आप टाइटली कस कर घुमाएंगे तो वो जो स्पाइक है जो कांटे हैं वो आपकी बॉटल के ऊपर प्रिक हो जाएगा और उसके कारण से एक छेद हो जाएगी जिसमें से आप ड्रॉपर के थ्रू इस आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप को अप्लाई कर सकते हैं कभी भी इसे ऐसी चीज़ों से प्रिक ना करें जो कि कंटामिनेटेड है वरना यह प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगा और सोफिस्टिकेटेड पार्ट जैसे कि आइज़ इनमें दिक्कत कॉज कर सकता है इसके टिप को जहां पे आप देख सकते हैं कि ड्रॉप निकल रहा है वो कभी भी वहां पे आप हाथ ना लगाएं हाथ वहां पे ना छुएं और जैसे ही इसे आप एक बार खोलते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा एटलीस्ट वन मंथ के अंदर कई सारे प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है बट एक बार खोलने के बाद आपको एक महीने के अंदर इसको यूज़ करना है चाहे आप दो बार यूज़ करें चाहे आपको चार बार यूज़ करें में आपको एक महीने से अधिक लेकर के नहीं जाना है दिस इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली यानी कि इसे आप केवल आंखों में या कान में लगा सकते हैं अगर इंफेक्शन हुआ हो तो इसे इंजेक्शन के फॉर्म में तो कभी भी नहीं लेना चाहिए और जैसा मैंने कहा कि इस प्रोडक्ट को तो बनाने वाली कंपनी है सिप्ला लिमिटेड इसीलिए इसका नाम पड़ा सिप्लॉक्स इसके एक्टिव कॉन्सट्रेट तो ऑलरेडी ऊपर में दिया हुआ है फिर भी अगर हम देखें कि कंपोजिशन क्या क्या है सिप्लोफ्लॉक्सोसिन हाइड्रोक्लोराइड विच इज अ सॉल्ट फॉर्म टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी एज वेल एज सोल्यूबिलिटी विच इज इक्वीवेंट टू सिप्रोफ्लॉक्सोसिन जो कि एकदम बराबर है सिप्लोफ्लॉक्सोसिन की इसकी क्वांटिटी है पॉइंट वेट बाय वॉल्यूम दैट इज सॉलिड डिजॉर्व इन लिक्विड बेस इसके साथ साथ इसमें बेंजालियम क्लोराइड

आपको यह चीज कब यूज नहीं करनी है या कब यूज करना बंद कर देना है इफ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीज डिसकंटिन्यू एंड कंसल्ट द फिजिशियन अगर आपको, कि आपकी आंखों में जलन चुभन या इंफेक्शन कम नहीं हुआ है इरिटेशन बना हुआ है तो इसका यूज आप अपने मन से यूज करना बंद करें और डॉक्टर से कंसल्ट कर लें वंस द नोजल इज प्रिग डू नॉट टच द नोजल टिप एज दिस में कंटामिनेट द सोल्यूशन जैसा मैंने कहा था आपको पहले में कि जब इसका नोजल खुल गया जब आपने इसको प्रिक कर दिया उसके बाद इसके नोजल को अपने हाथों से टच ना करें क्योंकि इससे वो कंटामिनेट हो सकता है एंड यूज़ द सोल्यूशन विद इन वन मंथ आफ्टर ओपनिंग द वायल अगर आपने इसे ओपन किया तो इसको ओपन करने के एक महीने के अंदर ही यूज़ करना है अगर आपके डॉक्टर ने इसे डेली यूज़ करने बोला है तब तो बहुत अच्छी बात लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने चार बार या चार दिन यूज़ करने बोला है तो चार दिन यूज़ करने के बाद अगर आपने इसे यूज़ नहीं किया और आपको लगता है कि अब बचा हुआ को मैं छः महीने बाद पाँच महीने बाद यूज़ कर लूँ तो ऐसा ना करिएगा इसके बाद डोज है तो डोज ये आपके डॉक्टर के फिजिशियन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली है बिकॉज दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल एच कैटेगरी जो कि आपको केवल आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगा और उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान रखते हुए मेडिकल स्टोर से आप इसे परचेज कर सकते हैं इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर आपके सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन और इन्फेक्शन को ध्यान में रख के इनका ड्रॉप की क्वांटिटी और इनका ड्यूरेशन बदल सकते हैं अगर पीडियाट्रिक पेशेंट को दिया जा रहा है तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है अप्रॉक्सीमेटली वन ड्रॉप अगर आप बड़े हैं तो टू ड्रॉप दिन में दो या तीन बार आपको सजेस्ट किया जा सकता है ये किया जा सकता है मैं आपको कह रहा हूँ करते हैं या करना चाहिए ये मेरा इंडिकेशन नहीं है इसके अलावा बाकी हमने इसको हाईलाइट किया है इनके कंटेंट को जूम करके वार्निंग को भी मैंने बड़े हाईलाइट में कर दिया है ताकि आप इसको आराम से देख सकें जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं तब तक इसका यूज ना करें अदरवाइज इससे कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है बाकी दिस इज सेफ ज़्यादा साइड इफेक्ट इसके इंडिकेट नहीं किए गए हैं आई ड्रॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ईयर ड्रॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नमस्कार एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ